أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين وأطيعوا ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ولا ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط صدق الله العظيم ترجمہ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی اور صبر کرو بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلتے تھے اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے اور اللہ ان کے کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں اپنی علم و قدرت کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہیں صدق اللہ العظیم فاسدوں کو تکلف گئے غم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں بے سغادنگی خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے راستے میں اگر پا
जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जैसे ही सब्ज गुंबद नजर आएगा, बंदगी का परीना बदल झुकाने की फुर्सत मिले किसे खुद के आँखों से सजदे टपक जाएंगे पास दो से अगर हम भी बेबस नहीं बे सहारन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी जवेरिया की तरफ से आपको ऐद रमज़ान का एक और रोज़ा एक और दिन बहुत बहुत मुबारक हो। इस वक्त हमारे साथ क़ारी अब्दुल मालकी साहब की साहबजादी एक बहुत छोटी सी बच्ची है जो कि क़िरत बहुत खूबसूरत करती है, जिसका नाम है नादिया अकबर मालकी। आइए कुरान पाक की तिलावत और तर्जुमा सुनते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ولا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ترجمہ اے ایمان والو دل میں اللہ کا ویسا ہی خوف رکھو जैसा खौफ रखना उसका हक है, और खबरदार तुम्हें किसी और हालत में मौत ना आए बल्कि उसी हालत में मौत आए कि तुम मुसलमान रहो, और अल्लाह की रस्सी को सब मिलकर
मजबूती से थामे रखो और आपस में फूट ना डालो। और अल्लाह ने तुम पर जो इनाम किया है उसे याद रखो कि एक वक्त था जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फिर अल्लाह ने तुम्हारे दिलों को जोड़ दिया और तुम आग के घड़े के किनारे पर थे। अल्लाह ने तुम्हें इससे निजात अता फरमाई। इसी तरह अल्लाह तुम्हारे लिए अपनी निशानियां खोल खोल के वाजी करता है ताकि तुम राह रास्त पर आ जाओ। आमीन। अब एक छोटा सा नातखा हमारे पास मौजूद है मोहम्मद हमजा। खुदा का जिक्र हो और जिक्र मुस्तफा ना करे, हमारे मुंह में हो ऐसी जबान खुदा ना करे। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होंठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल दिल शकेस्ता है मेरा तो क्या, इसमें रहते हैं शागे दो आलम, इसमें रहते हैं शागे दो आलम, जब से मैं हुए हैं वो दिल में, दिल मेरा बल गया है मदीना। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मैं गुलाम सगे आस्तान मोहम्मद, मैं सगे आस्तान मोहम्मद, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले फख्र है मौत मेरी, काबिले रश्क है मेरा जीना। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद, मेरे होंठों पे जिक्र मदीना, ताजदारे हरम के करम से आ गया जिंदगी का करीना। मेरे दिल में है यादे मोहम्मद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद ऐद रमज़ान में मेरी तरफ़ से, जवेरा की तरफ से, ऐद रमज़ान की पूरी टीम की तरफ़ से। आज 28 रमज़ानुल मुबारक है। अगर कल आखिरी रोज़ा होता है तो बस एक ही दिन बाकी रह गया है और रमज़ानुल मुबारक का ये महीना हमारे पास से रुख्सत हो जाएगा। दुआ के मुतालिक मैं एक हदीस पढ़ रहा था। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली से पूछा कि अली तुम्हें अपनी ज़िंदगी पर कितना भरोसा है? आपने कहा कि सालत माप मुझे अपनी ज़िंदगी पर इतना भरोसा भी नहीं कि मैं एक सलाम फेरने के बाद दूसरा सलाम फेर सकूं।
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अली तुम्हें तो अपनी ज़िंदगी पर बहुत भरोसा है, मुझे तो इतना भरोसा भी नहीं कि मैं एक पलक झपकने के बाद दूसरे पलक झपक सकूँ। सुभान अल्लाह, ज़िंदगी वाकई इतनी नापायदार, इतनी ही वक्ती और इतनी ही आर्जी है। उसके बाद जनाब अमीरुल मोमिनीन ने जब भी अज़ान की आवाज़ को सुनना था तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा खौफ तारी हो जाता, उनका रंग सफ़ेद पड़ जाता। वो सोचते कि मैं उस रब कायनात के हुजूर जा रहा हूँ जो मेरी ज़िंदगी पर कादिर है, और न जाने मैं इस नमाज के बाद वापस आ भी सकूँ कि नहीं, मैं इस सलाम के बाद अगला सलाम फेर भी सकूँ कि नहीं, मैं इस पलक झपकने के बाद अगली पलक झपक भी सकूँ कि नहीं। बहुत से वसीले, बहुत से दरवाज़े ऐसे होते हैं तकदीर के जो सिर्फ दुआओं से खुलते हैं। बेशक हमें अपनी नमाजों में दुआ का जितना ज़्यादा हो, जितनी कसरत के साथ उसकी उसकी तड़प के जो है साथ वो दुआ को मांगना चाहिए, इसलिए कि तकदीर के बहुत से दरवाजे सिर्फ दुआओं से खुलते हैं। बेशक अल्लाह हमारे दिल के सारे राजों को जानता है, एक एक हमारे दिल के नेहा पहलुओं को जानता है, लेकिन ये जो बंदगी का रिश्ता होता है जो इंसान अपने अल्लाह से कायम करता है, ये सिर्फ दुआ से, ये सिर्फ उसके आगे हाथ फैलाने से, और बहुत सी दुआओं का असर हमारा इसलिए भी ख़त्म हो जाता है कि हमने किसी का दिल दुखाया होता है। एक बड़ा ही खूबसूरत शेर है कि किस शख्स का दिल मैंने दुखाया था कि अब तक वो मेरी दुआओं का असर काट रहा है। क्या बात? इसलिए किसी ऐसे शख्स का दिल ना दुखाइए दानस्तगी में ना दानस्तगी में, जो आगे जाके आपकी दुआओं के असर को ख़त्म करे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और जैसे कि तुमने कहा दुआओं की बात कि जी दुआएँ जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम चाहते हैं कि हमारी दुआएँ जो हैं फ़ौरन कबूल हो जाएँ, और हम इस बात पे रोते हैं, अल्लाह से गिला करते हैं कि अल्लाह हमारी दुआएं फ़ौरन कबूल क्यों नहीं होती, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अल्लाह का शुक्र है कि हमारे गुनाहों की सज़ाएं हमें फ़ौरन नहीं मिलती। और तौबा करें हम लोग, आप लोग, हम सब मिलके अपने उन गुनाहों की जो कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होने देते, उन गुनाहों से तौबा करें, माफ़ियाँ मांगें, क्योंकि जब तक हम माफ़ियाँ नहीं मांगेंगे वो हमारी दुआओं में रुकावट बन जाती हैं। जब तक हम माफ़ी नहीं मांगेंगे अल्लाह से, हम अपने लिए बख्शिश नहीं मांगेंगे, तौबा नहीं करेंगे गुनाहों से, जब तक हमारी दुआएं फ़ौरन कैसे कबूल होंगी। और एक हदीस है, हदीस का मफहूम है कि तुम अल्लाह से इस हालत में दुआ करो, किया करो कि तुम्हें कबूलियत का यकीन हो, और ये जान रखो कि अल्लाह गफलत से भरे दिल की दुआ कबूल नहीं करता। तो क्या हम अगर अपने अमाल को देखें, अपनी तरफ नज़र डालें, तो हमें ऐसा लगता है कि क्या हमारे अमाल ऐसे हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएंगी? क्या हम कुछ ऐसा करते हैं, क्या हम ऐसी ज़िंदगी गुजारते हैं? सारा दिन में हम कितने काम ऐसे करते हैं जिनका अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है, और कितने काम ऐसे करते हैं जो शैतान की पैरवी में जाते हैं या जिसका अल्लाह ने मना फरमाया है? तभी हमारे दिल को यकीन होगा कि हमारी दुआ कबूल होगी या नहीं होगी। और ये हदीस में आ गया है कि तुम्हें कबूलियत का यकीन हो, तो हमें यकीन ही नहीं होता ना, क्योंकि हमें पता है कि हम ऐसे सारा दिन में इतने अच्छे काम करते ही नहीं हैं। और अगली एक और चीज़ कि एक और हदीस का मफहूम है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अज़ान और इकामत के दरमियान मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती, अज़ान और इकामत के दरमियान मांगी हुई दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो हम क्या वो लम्हे, क्या वो जगहें, क्या वो दिन चुनते हैं जिनमें दुआएँ कबूल हो जाती हैं? क्या हम ख़ास एहतमाम करते हैं ऐसे लम्हों का, ऐसे टाइम का, ऐसे मौक़ों का कि जब दुआएं जल्दी कबूल होती हैं? क्या हमें पता है वो सारे कौन से दिन हैं, कौन से मौके हैं? जैसे जुमे के बात करते हैं हम कि जुमे के दिन असर और मगरिब, असर से मगरिब के दरमियान एक वक्त ऐसा होता है जो कि दुआओं की कबूलियत का दिन होता है। कुछ दुआएँ जो हैं हमारी कहते हैं कि फ़ौरन कबूल हो जाती हैं, अल्लाह पाक कुछ दुआएं फ़ौरन कबूल कर लेते हैं, कुछ देर से करते हैं, और कुछ बात के लिए रख ली जाती हैं जिनका अजर हमें बाद में मिलता है। और मेरा ज़ाती एक तजुर्बा है इमरान, मैं पहले बड़ा दुआएं मांगती थी अल्लाह मियाँ से। देखिए बख्शिश मगफरत की दुआएं तो सब मांगते हैं, अपने लिए क्या मांगते हैं कि हमें ये भी चाहिए, अल्लाह मियाँ हमें ये भी दे दे, हमें घर भी दे दे, हमें पैसा भी दे दे, हमारे बच्चों की तालीम भी हो जाए, ये भी हो जाए। मैं भी पहले यही करती थी, और ये बात काफ़ी पहले की है, तकरीबन 15-16 साल मेरी शादी से पहले की, एक साल पहले तक मैं यही दुआएं मांगती थी कि अल्लाह मुझे ये भी दे दे, या अल्लाह मुझे ये भी चाहिए, या अल्लाह मुझे ये भी दे दे, नाम ले लेके चीज़ें मांगती थी। लेकिन फिर पता नहीं एक दिन क्या हुआ कि मैंने कहा या अल्लाह, मैंने अपनी दुआएं बदल दी, मैंने अपनी दुआओं का तरीका बदल दिया। मैंने कहा या अल्लाह जिस पर तू राज़ी
जो तू मेरे लिए बेहतर समझता है बस वो मुझे दे दे, जिस पे तू राजी उस पे मैं राजी। और यकीन करें मेरी ज़िंदगी बदल गई, मेरी ज़िंदगी पलट गई। अल्लाह ने मुझे वो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह दिया जिसका मैंने कभी तसव्वुर भी नहीं किया था। तो हमें नहीं पता, जैसे बच्चा होता है ना, माँ बाप से चीज़ें मांग रहा होता है, माँ बाप पता नहीं क्या कुछ सोच रहे होते हैं उसके लिए, और उसकी जो राल है वो टॉफ़ी पे अटकी हुई होती है, मुझे टॉफ़ी चाहिए, मुझे ये चाहिए। लेकिन माँ बाप ने तो क्या क्या सोचा होता है, बिल्कुल उसी तरह अल्लाह ताला ने हमारे लिए पता नहीं क्या क्या सोचा होता है, लेकिन हम उससे मांगते हैं, उसके ख़जाने से इतना सा मांगते हैं, हम अल्लाह से वो कुछ नहीं मांगते जो अल्लाह ने हमारे लिए सोचा होता है। तो अल्लाह से ये कहें कि या अल्लाह जो तूने हमारे लिए सोचा है हमें वो दे, क्योंकि हमारी सोच तो एक ज़र्रे के बराबर है, और जो अल्लाह ने हमारे लिए सोचा है वो क्या ही खूब सोचा होगा। तो उस अल्लाह को अल्लाह से मांग लें, जब हाकिम आपको अब मिल जाएगा तो उसके ख़जाने ही आपके हो जाएंगे। तो बस दुआएं ये मांगे, बस अपनी दुआओं का तरीका बदल लें। देखिएगा अल्लाह के अमाल ऐसे होने चाहिए कि आपको किसी के लिए दुआ के लिए कहना ना पड़े, कि आप कहें कि मेरे लिए दुआ करना, कि लोगों के दिल से आपके लिए दुआ खुद ब खुद निकले। और बड़े कामयाब होते हैं वो लोग जवेरिया जिनके लिए लोगों के दिल में जो है वो ऐसी मोहब्बत होती है कि उनके लिए नमाज़ों में दुआएँ खुद ब खुद निकलती हैं। मेरी ज़िंदगी में बहुत से ऐसे लोग हैं कि मैं जब नमाज़ पढ़ता हूँ तो मैं उनके कहे बगैर उनके लिए दिल से दुआ करता हूँ, और उन दुआ की कबूलियत की क्या बात होगी कि जब आप किसी के लिए दिल से दुआ करें कि अल्लाह जिसने मेरे साथ वो एहसान किया था उसकी ज़िंदगी बना दे, उसकी आखिरत बना दे। और सबसे बड़ी दुआ आप जो दुनिया में मांग सकते हैं वो अपने ईमान की दुआ मांग सकते हैं, क्योंकि ये दुनिया इसकी हासिल की भी तमाम चीज़ें यहीं रह जानी हैं, सिर्फ जो साथ जाएगा वो आपका ईमान है। अल्लाह हमारा ईमान मजबूत करे, ईमान मुस्तहकम करे, क्योंकि यही चीज़ हमने आगे भी लेके जानी है और यही हमारा हशर का सामान होगा। आप देखते रहिए अहद रमज़ान, हम चलते हैं ब्रेक की तरफ। खुशामदीद ऐद रमज़ान में एक दफ़ा फिर आप सबको। आप देख रहे हैं ऐद रमज़ान की ट्रांसमिशन एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट और एक्सप्रेस न्यूज़ पर, हमारे साथ, हमारी टीम के साथ, हमारे अब्दुल कादिर भाई के साथ, असद अयूब जवेरिया और असदुल हक के साथ, और मेरे साथ। असदुल हक साहब से हमने बड़ी खूबसूरत सी नात सुनी, अब वक्त आ गया है कि अब्दुल कादिर साहब की तरफ हम आएँ। और सूरह अनफाल की जो हमारी ट्रांसमिशन के आगाज़ में तिलावत की गई आयत 647 की, इसमें बाहिमी निफाक और झगड़े के बारे में बात की गई कि अगर आपके सफ़ों में अंदर ही खिलफशार होगा और अंदर ही आपके एक इतफाक नहीं होगा तो आप बैरूनी जो ताकतें होंगी उससे कैसे लड़ेंगे, एक तो ये बहुत अहम। और ये भी इसमें ज़िक्र किया गया कि अगर जो बाहिमी झगड़े होते हैं हमारी कौम के या हमारी उम्मत के, वो अल्लाह से उसकी बरकत की दूरी का सबब बनते हैं, तो इसके ऊपर रोशनी डालेगा तो खाली साहब। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बड़ी अहम आयत है, एक आम माशरती तनाजुर के हवाले से भी बात करते हैं हम, और अगर रमज़ान मुबारक के हवाले से भी बात करते हैं, दोनों बड़ी अहम बातें हैं। कल क़याम पाकिस्तान के हवाले से बात हुई थी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना रहमतुल्लाह अलैह का तस्कर आया था, उनका तो स्लोगन ही यही था, अब नए तौर पर यूनिटी फेथ डिसिप्लिन के हवाले से, ईमान इत्तेहाद तंजीम के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो उनका सारा जोर इस पे था कि यूनिटी होनी चाहिए। और ख़ुद उन्होंने अपनी तकरीर में भी कहा था, जिसका पहले भी हवाला आ चुका है किसी मौके पर, कि अब पाकिस्तान बन चुका है, अब हम सबको पाकिस्तानी होने की हैसियत सोचना चाहिए, उसी हैसियत से आगे बढ़ना चाहिए। आज हम में से ना कोई सिंधी है, ना महाजिर है, ना बलोची है, ना पठान है, आज हम सब पाकिस्तानी हैं। तो कौमियत और नस्ल परस्ती की उन्होंने तरदीद फरमाई थी। और उसके अलावा वैसे भी मशहूर है, कहा जाता है कि यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। तो अगर हम मुत्तहिद होंगे तो यकीनन हम आगे बढ़ सकेंगे, हम दुश्मन से मुकाबला कर सकेंगे। और अल्लाह ताला ने भी जो भी आयात हैं इसके तनाज़ुर में भी हम देखते हैं, इसमें साफ़ फरमाया कि वला तनाज़ु फतफशलु, देखो आपस में तुम झगड़ा मत करो, अगर तुम आपस में लड़ पड़ोगे तो उसकी वजह से तुम्हारी क़ुव्वत कमज़ोर हो जाएगी और फिर दुश्मन के मुकाबले तुम्हारी शिकस्त हो जाएगी। और इसी तरह फरमाया वतज़हबरी हुकुम, और तुम्हारा दुश्मन से रोब दबदबा ख़त्म हो जाएगा, कि जब तुम आपस में इंटरनल कॉन्फ्लिक्स का शिकार होगे तो यकीनन दुश्मन को तुम्हारी ताकत और क़ुव्वत का अंदाज़ा हो जाएगा और वो तुम पर हावी हो जाएगा, तुम पर गलबा पालेगा। इसी तरह पाकिस्तान के तनाज़ुर में भी बात करते हैं, हमें ज़रूरत है इस बात की कि हम अपने आपस के जो इख्तलाफात हैं, चाहे वो सूबाई हैसियत से हों, कौमियत
के हवाले से हों, सबीयत के हवाले से हों, पहली बात तो ये जज्बात जाहिलियत के जज्बात हैं, इनको ख़त्म करना होगा। इसी तरह अगर हम बात करते हैं चाहे वो लिसानी इख्तलाफात हों या मजहबी इख्तलाफात हों, उनको हमें भुलाना होगा, सियासी इख्तलाफात को पसे पुश डालना होगा, पाकिस्तान को वसी तर मफाद के हवाले से अगर हम बात करते हैं उसके हवाले से हमें मुत्तहिद होना होगा और इसी तरह हम दुश्मन को पैगाम दे सकेंगे। लेकिन अगर हम खुद इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का शिकार रहेंगे, हमारी लेग पुलिंग नेचर रहेगी, तो यकीनन दुश्मन जो है वो हमारी इस कमज़ोरी से फ़ायदा उठाएगा। तो ये तो एक बड़ी अहम बात है कि इस हवाले से अगर हम बात करते हैं कि ये माशरती तनाज़ुर में इसकी बड़ी अहमियत है। दूसरी चीज़ जो बरकात इलाहिया से महरूमी के हवाले से अगर हम बात करते हैं, जिसकी तरफ आपने इशारा किया, यकीनन ये झगड़ा लड़ाई ये बरकात इलाहिया से महरूमी का बायस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्तिदान शब कदर की तायीन दी गई थी और सही बुखारी की हदीस है, हज़रत उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाए और आपने फरमाया कि खरजतु लिअख़बिरकुम बिलैलतिल क़द्री, मैं बाहर इसलिए आया था कि मैं तुम्हें शब कदर की तायीन के हवाले से बता सकूँ, लेकिन ये दो लोग आपस में झगड़ पड़े तो फरूफियत और आप उनके झगड़ा निपटाने में आप मसरूफ़ हो गए और जब आप फारिग हुए तो आपने फरमाया मैं तो इसलिए आया था बताने के लिए, लेकिन ये कि अब वो तायीन उठा ली गई। तो इसके लिए हवाले से देखा जाए तो ये हमारे लिए इसमें सबक है, इबरत है, नसीहत है कि हम आपस में बोझ ना रखें, कीना ना रखें, हसद ना करें, इसी तरह लड़ाई झगड़ा ना करें। और दूसरी बात हमें ये भी पता चलती है कि ये चीज़ जो है वो बुनियादी तौर पे ना सिर्फ हमारी सफ़ों में कमज़ोरी का बायस है, दुश्मन के मुकाबले में हवा उखड़ने का बायस है और बरकात इलाहिया से महरूमी का बायस है। और आपने देखा शब कदर की तारीफ उठा ली गई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर एक रिवायत में फरमाया कि इसको शब कदर को आखिरी अशर की ताखरातों में तलाश करूँ। अच्छा, फिर अगर हम बात करते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमाया कि हो सकता है इसी में तुम्हारी भलाई और खैर हो। तो देखें, अब चार रातें गुजर चुकी हैं ताखरातों के हवाले से बात करते हैं, 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं, अब एक 29वीं शब रह गई, इसकी हमें कदर करने की ज़रूरत है। और उलमा ने इसकी बाकायदा जो है हिकमत बयान फरमाई है। सबसे पहली हिकमत तो इसकी ये है कि जो शब कदर की तायीन उठा ली गई है तो अल्लाह ताला चाहता है कि सख्त हसरत अफसोस से इंसान को बचा ले। मिसाल के तौर पे अगर बता दिया जाता है कि 21वीं शब जो है वो शब कदर है, मिसाल के तौर पे, तो अगर उस रात को कोई शख्स बीमार होता या खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो जाता, वो हॉस्पिटल में होता या बेड रेस्ट पे होता, तो यकीनन वो रात तो उसकी गुजर जाती, या वो किसी और वजह से मिसाल के तौर पर उस रात को वो इबादत नहीं कर पाता तो वो तो अफसोस ही करता रह जाता, भाई मेरे से तो शब कदर निकल गई। ये हदीस भी सुनी है कि आप रसालत उस दिन का तायुन कर बताने वाले थे कि अचानक बीच में जब जिब्राइल अमीन यहाँ तशरीफ़ लाए उनके पास, तो बीच में कुछ लोग झगड़ा कर रहे थे जिसकी वजह से जी तो वो झगड़ा जो है वो इतना ज़्यादा अल्लाह को जो है वो एग्जैक्टली इसी बात को मैं आगे बढ़ा रहा था। तो ये हज़रत उबादा बिन सामित के हवाले से ये वाक़ा जो है बिल्कुल हदीस के अंदर आया, इसी की तरफ मैंने इशारा किया। तो बाज़ रिवायत मजीद की तफसीलात आई हैं तो आप भी गालिबन उसी तरफ इशारा कर रहे हैं। तो एक बात तो ये बताए सख्त अफसोस से बचाना है, और दूसरी इसके अंदर हिकमत भी बयान की गई है कि वो ये कि अल्लाह ताला ये चाहता है कि जितनी ज़्यादा रातें तुम्हें मिलेंगी और हर रात को तुम शब कदर समझ के इबादत करोगे तो ना ज़्यादा जर सवाब मिलेगा, ठीक है ना। तो अब अगर मिसाल के तौर पे हमें नहीं पता, हो सकता है 29वीं शब हो, अल्लाह ताला के हुक्म में 29वीं शब हो, तो अगर हम 29वीं शब को भी शब कदर समझ के इबादत करेंगे तो जितना ज़्यादा इबादत की उतना ज़्यादा सवाब है। अच्छा, एक इसमें हिकमत ये भी बयान की गई है अल्लाह ताला की तरफ से कि इसमें अल्लाह की पकड़ से बचने का सामान है। अल्लाह की पकड़ से बचने का सामान इस तरह है कि मिसाल के तौर पर बता दिया जाता है 27वीं शब है, अगर इंसान उस रात भी इबादत ना करता, जैसे कुछ लोग होते हैं जो गाफिल होते हैं नमाजों से, रोज़ों से, तरावी से, इसी तरह दीगर खल्क खुदा के कामों के हवाले से वो अपनी मनमानी कर रहे होते हैं, अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं और मस्तियों में लगे होते हैं, तो अगर वो इस रात भी वो अल्लाह ताला की जो है बुनियादी तौर पे देखा जाए वो रहमत को और मगफरत को समेटने में नाकाम रहते, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे ना होते, दुआएँ इल्हाज़ारी से काम ना लेते, तो अल्लाह ताला की तरफ से पकड़ आती है। देखो, बता दिया गया है, कैटेगोरिकली बता दिया है कि वो रात है जो हज़ार महीनों से बेहतर है, और तुम्हारी गफलत और सुस्ती का आलम यह है कि तुम्हारी जो है वो कोताही ख़त्म नहीं हो रही, तुम्हारी लापरवाही गफलत सुस्ती ख़त्म नहीं हो रही। मुझे पूछनी कि जैसे फितरा जो हम देते हैं ईद के दिन, वो क्या वाकई इसकी वजह यह है कि पूरे रमज़ान हमसे जो गुनाह या जो गलतियाँ जो बुरे काम हुए हैं जी उसको टालता है फितरा? जी, बहुत अहम सवाल है आपका। जो गुफ्तगू चल रही है उसी के तनाजुर में अगर हम बात आगे बढ़ाते हैं, लोग आमतौर पर ये समझते हैं कि जो है गरीबों की मदद है। देखिए, गरीबों की मदद तो ज़कात से भी हो रही है, यकीनन सदका फितर से हम जब अदा कर रहे होते हैं, चाहे आप उसको गंदम की फॉर्म में हो, खजूर हो, किशमिश हो या जौ की फॉर्म में हो, हम जो अदा कर रहे होते हैं तो उसमें गरीबों की मदद हो रही होती है। लेकिन हदीस में इसके दो समरात बयान किए गए, जिसकी तरफ दूसरे की तरफ आपने इशारा किया। इसमें फरमाया गया तोहरन लिस्याम व तोमतन लिलमसाकीन, एक तो इसमें गरीबों का फ़ायदा है, यकीनन जब इंसान अदा करता है तो वो अपनी ईद की तैयारी कर लेते हैं कुछ, और वो घर में कुछ राशन डलवा लेते हैं, और दूसरा जो है वो यकीनन जो रोज़े के अंदर हमसे मुनाफी उमूर का इर्तिकाब हो जाता है, जो सूरी तौर पर नहीं होना चाहिए लेकिन ना दानस्तगी में जो हमसे हो जाती हैं चीज़ें, खसूर जो हो जाते हैं, जो कोताहियाँ हो जाती हैं, उनका इजाला हो जाता है, उनका इजाला उनका कफारा। इंपॉर्टेंट हमारे ये तो हमारे दीन का पैगाम है ना, और हमारे दीन का मैसेज है कि तफरका ना हो, और सबसे अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि मुसलमानों में ही सबसे ज़्यादा तफरीक है।
अगर आप देखें कि जो हैप्पीएस्ट नेशंस हैं दुनिया की या जो सबसे ज़्यादा जैसे कहना चाहिए खुशहाल मुमलिकत हैं जितनी भी दुनिया की, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, वो मुस्लिम मुमालिक नहीं हैं। जी जी, उन्होंने वो वाला लेसन जो था वो हमारा वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट कर लिया और वहाँ आपको वो तफरीक और वो इंतशार नज़र नहीं आता। ऐसा क्यों है कि मुसलमान ममालिक में ही सबसे ज़्यादा जो मसलक हैं, जो फ़िरक़े हैं, जो फ़िरक़े हैं, जो मुख्तलिफ हैं, जो जो आपने बिल्कुल सही बात की तरफ दुजराई वाले से बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, अमरीका, फ्रांस सब के वाले से अगर हम बात करते हैं, उसके वाले से रसूलों से खुद फरमाया अलकुफ़ुर मिल्लतुन वाहिदा, जितनी कुफ्रिया ताकतें क़ुव्वतें हैं वो फरमाया सब यक जाएँ, मुसलमानों की सफर में इंतशार है। अच्छा, अब अगर हम तालीमात के वाले से बात करते हैं, हमारी तालीमात तो इतनी चूँकि हक्कानी तालीमात हैं, इल्हामी तालीमात हैं, डिवाइन हैं, तो इसमें जितना इत्तेहाद का इत्तेफाक का दर्ज दिया गया दुनिया की किसी रिलीजन में नहीं दिया गया। कुरान में ताला फरमा रहे हैं वातसिमू बिहब्लिल्लाही जमीअ, सब मिलकर लगे रस्सी मजबूत हम लोग, तफरीक में ना पढ़ो, ठीक है। तो बाकी लेकिन अमली ज़िंदगी के अतबार से बात करते हैं, यकीनन ये कुरान से दूरी का नतीजा है। इसी तरह नफ्सा नफसी हमारे अंदर बहुत है, जिस बुनियादी तौर पर इसी तरह हम कहते हैं नफसी नफसी का आलम है, हर इंसान को अपनी पड़ी है, हर इंसान अपना नफ़ा देख रहा है, हर इंसान को कहना चाहिए अपना फ़ायदा वो ज़्यादा अजीज़ है, और इसकी वजह से अगर हम बात करते हैं फिर साथ में तासुबियत भी है, कौमियत भी है, नस्ल परस्ती भी है, जो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और इस्लाम ने हर बात की कैटेगोरिकली कुरान हदीस में नफ़ी की गई है। लेकिन आप सही कह रहे हैं, ये एक अलमिया है और ये हमारी उम्मत के साथ ये एक मामला है और ये उसूली तौर पे नहीं होनी चाहिए, हमें अपने सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए, और उसका एक वाज़ जरिया है अल्लाह ताला फरमा रहा है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रुकू, जैसे कि खुद हदीस में अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि भाई मैं दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, जब तक उनको थामे रहोगे तुम गुमराह नहीं होगे और तुम्हारे अंदर जो है वो देखा जाए इत्तेफाक इत्तेहाद की फ़ज़ा हमवार रहेगी, वो कुरान और सुन्नत है। आपको अब्दुल क़ादिर भाई नहीं लगता कि हमारे उलमा इकराम की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है? यकीनन बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जब भी कोई ऐसे दीनी खुद आपस में उनकी लड़ाइयाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कभी भी जब ऐसे दिन आते हैं, खास अय्याम आते हैं जिसमें मुहर्रमुल हराम के या रबीउल अव्वल के या क्या, तो उस वक्त जिस तरह हम अपनी मस्जिदों में से आवाज़ सुनते हैं और वो इतना लाउड होता है कि वो आप 10 लोगों को नहीं बल्कि लाउड स्पीकर पे आप एक दूसरे के खिलाफ नफरत अंगेज जो है तकरीर कर रहे होते हैं, उससे उस वक्त ये मेरा ख्याल है कि ये हमारे उलमाए किराम की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ऐसे मौके पर आपके अगर बुनियादी आपके मकातब फ़िक्र के अंदर दूसरे के साथ आपके डिफरेंसेस हैं भी, तो उस वक्त आप अपने पैरोकारों को तो कम से कम देखें। कुछ चीज़ें होती हैं एकेडमिक होती हैं, डिबेटेबल होती हैं, वो सिर्फ इंस्टीट्यूशन के अंदर तक चार दीवारी की हद तक होती हैं, जो दलाइल के हवाले से अगर हम बात कर रहे होते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक से हमेशा जो है वो कॉमन इशूज़ डिस्कस करने चाहिए जो उनके अकायद के हवाले से, अमाल के हवाले से, और यकीनन ये उलमा की जिम्मेदारी है। मैं इस चीज़ को खुद मानता हूँ, एडमिट करता हूँ, और मैं इस पर जोर भी देता हूँ कि जो मिंबर और मेहराब है उससे नफरत का पैगाम नहीं जाना चाहिए, और ऐसे जो बेअमल वाइजीन है या कहना चाहिए जो फिर खवारियत को प्रमोट करते हैं या जो गोए के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जो अपनी कहना चाहिए फसाद व बलागत झाड़ते हैं या अपनी इल्मियत झाड़ते हैं या अपने आप को सबसे बड़ा आलिम जो है कहलवाने की जो है वो तगदौ करते हैं, तो ऐसे लोगों के हवाले से फरमाया कि इनके होंठ खेंची से काट दिए जाएंगे। अच्छा, ये तो बिल्कुल बड़े अच्छे हमारे उलमा इकराम भी हैं, मौलाना तारिक जमील की मैं जब तकरीर सुनता हूं यकीनन तो उसके अंदर हमेशा एक पॉजिटिव मैसेज जा रहा है। साकिब रजा मुस्तफाई साहब हैं, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, ये हजरात हैं जो उम्मत में इत्तेहाद का पैगाम फैला रहे हैं, और इसी तरह हमारे दीगर उलमा इकराम भी हैं, वो अपने तौर पर ऐसे लोग भी हैं, बल्कि अभी रमज़ान से पहले उनसे किसी ने पूछा कि जैसे ये आर्टिस्ट जो हैं ये ट्रांसमिशंस करते हैं तो ये तो खाली मुफ्ती आलिम वगैरह को करनी चाहिए, आर्टिस्ट क्यों करते हैं? तो उन्होंने उसका जवाब दिया कि क्या आर्टिस्ट मुसलमान हैं? तो उन्होंने कहा कि हाँ मुसलमान तो हैं। उन्होंने कहा तो फिर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है कि उसको अल्लाह की जो बात भी पता है वो दूसरे को बताए, तो जब वो मुसलमान है तो वो अल्लाह का जिक्र क्यों नहीं कर सकता और वो अल्लाह की बात क्यों नहीं कर सकता? रमजान से कुछ दिनों पहले उन्होंने डिनर भी किया था जिसमें हम सब इनवाइटेड थे, फिर मैं तो इस्लामाबाद में था इसलिए मैं नहीं आ सका, और उनसे मेरा बहुत ताल्लुक रहता है कि वो अक्सर इन्वाइट भी करते रहते हैं, तो एक बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप ओपन हार्टेडली और ओपन आर्म्स आप लोगों को मुस्तनद पता है, और वैसे भी हमें हुक्म है बल्लिगु अन्नी वलो आया, कोई आपको दीन की बात मालूम है और मुस्तनद मालूम है तो आप आगे उसको पैगाम को पहुँचाएं, बिल्कुल ही बल्कि। और एक चीज़ मैं बड़ी अहम तवज्जो दिलाना चाहूँगा, आखिरतें गुजर रही हैं, रमज़ान मुबारक हमारे, आपने देखा शर अहमद मगफरत अब दोज़ख़ से निजात का शरा भी गुजरा है तेज़ी से, तो इसमें बड़ी अहम बात है कि हम दुआओं के हवाले से हम बात कर रहे होते हैं, वक्त मुख्तसर है, मैं सिर्फ आपको सिर्फ चीज़ें हाईलाइट कर दूंगा, पॉइंट्स मैं हाईलाइट कर दूंगा, चाहे शब बारात हो, चाहे जो है वो रमज़ान की ताखरातें हों, शब कदर के हवाले से हो, चंद लोग हैं कि जिनकी मगफरत नहीं होती, तो बराए मेहरबानी वो जितनी भी इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला उनको मज़ीद तौफीक अता फरमाए, अल्लाह ताला उनकी दुआएं उनके हक़ में उम्मत मुस्लिमा के हक़ में कबूल फरमाए, लेकिन इन चीज़ों से एहतियात करना ज़रूरी है। फरमाया कि एक तो जो शराब कसरत से पीने वाला है, अच्छा ठीक है, वो शराब से तौबा नहीं करता है, शराब को नहीं छोड़ता है। दूसरे नंबर पर फरमाया कि वालदैन का नाफरमान, अच्छा। वालदैन का अगर नाफरमान है चाहे वो जितनी भी इबादत कर ले उसकी इबादत अल्लाह की बार कबूल नहीं है, दुआएँ कबूल नहीं है। अच्छा, तीसरे नंबर पर फरमाया ख़ता रहमी करने वाला, जो रिश्तों को तोड़ने वाला है, काटने वाला है, लोगों के दरमियान
दिलों में बुग्स कीना पैदा करने वाले, और चौथा जो है वो फरमाया कि जो क्या है दिलों में लोगों के लिए कीना रखने वाले, बुग्स रखने वाले। इन चारों बातों के हवाले से मना फरमाया गया कि चारों बातें लोगों की मगफरत से दूरी का जरिया बनती हैं। और हमें अपने तौर पर इबादत कर रहे होते हैं लेकिन हम माँ बाप भी हमारे से नाराज़ हैं, इसी तरह लोगों के भी हमने खता ताल्लुक किया हुआ है, इसी तरह दिलों में हमारे लिए बुग्स और कीना भी है, हसरत और नफरत के जज्बात भी हैं, और हम समझते हैं कि हमने अल्लाह को राज़ी कर लिया। यकीन करें वो ये इनका सवाब रायगा चला जाएगा, ये चीज़ें सवाब को रायगा करने वाली हैं। आपने पूरा रमज़ान मेहनत की है लेकिन आप जो है इन चार चीज़ों के हवाले से मेक श्योर करें कि ये चीज़ आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। क्या आप इस पोजीशन में अपने वालदैन के सामने खड़ो कि आपने वालिद से पूछ सकें कि क्या अबू आप मेरे से राज़ी हैं, क्या वालदा आप मेरे से राज़ी हैं? क्या आप पोजीशन में हदीस में फरमाया कि रज़ा रबी फ़िरज़ल वालिद व सख़त रबी फ़िरज़ल वालिद, वालिद की यानी वालदैन की रजामंदी में रब की रजामंदी है, वालदैन की नाराज़गी में रब की नाराज़गी, ये चीज़ है। तो इस चीज़ को ज़रा नोट करना बड़ा ज़रूरी। और जी अब छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे, देखते रहिएगा अहद रमज़ान। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आज फिर अहद रमज़ान में जाते जाते हम अपने रमज़ान की रहमतों को समेट रहे हैं और अपने सेट पर रहमतों को बुला रहे हैं, क्योंकि आप कहते हैं ना कि मेहमान भी रहमत होते हैं। तो हमारे पास आज एक ऐसे ही मेहमान तशरीफ़ लाए हैं जो रहमत हैं, और उनके घर में जो रहमत बनकर आई वो भी उनके साथ हैं। मैं बात कर रहा हूँ फ़ाइक खान की। जी हाँ, फ़ाइक एक बहुत ही लायक फ़ाइक और एक बहुत ही टैलेंटेड नाम है हमारी फिल्म हमारी टीवी इंडस्ट्री का, जो 2000 से तकरीबन काम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे ड्रामे किए, जहाँ जाते हैं छा जाते हैं, और सबसे अच्छी बात ये कि वो नेगेटिव करते हैं तो उसमें भरपूर अपना जो है वो एक्टिंग का रंग जमाते हैं, जब पॉजिटिव कैरेक्टर करते हैं तो उन जैसा हीरो नज़र नहीं आता। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मेरे एक बड़े पुराने दोस्त, जो कि मुझे मिलते ही नहीं, पता नहीं, मैं उनको ढूंढता रहता हूँ, नज़र ही नहीं आते, लेकिन आज आते रमज़ान की इस ट्रांसमिशन में फ़ाइक को हमने पकड़ ही लिया। तो तशरीफ़ लाते हैं फ़ाइक खान। हम तो बुलाया नहीं फाइट में, लेकिन हम तो फिर बारे कर देते कुछ नहीं। आइए तशरीफ रखिए। थैंक यू। कैसे आप? ठीक हैं? कैसे? मैंने गिला किया ना तुमसे? हाँ, गिला। कराची में होते भी फाइक आप नहीं मिलते, बड़े अफसोस की बात है। बस वो मुलाकात ही नहीं हो पाती। और बाकी जब आप मेरे ख्याल में लॉस एंजलिस में थे तब हमारी एक कॉन्वर्सेशन हुई थी, ऑन व्हाट्सएप मैसेजिंग हुई थी मेरे ख्याल में। तो आपके घर शायद कोई इवेंट था, और एक तो उस नहीं, मैं आ चुका था, आप जा रहे थे मेरे ख्याल में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, आप प्लेन में थे मेरे ख्याल में। ओ अच्छा अच्छा। फिर आपने लैंड किया और उसके बाद मजे मजे की पिक्चर्स लगा रहे थे इंस्टाग्राम पे, जो मैं लाइक कर रहा था। कैसे है की तरह? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। बस एक निजी टीवी चैनल का एक प्रोजेक्ट चल रहा है। निजी टीवी चैनल और पड़ोसी मुल्क की फिल्म। ये दो चीजें समझ में नहीं आई, एक तो निजी चैनल और एक पड़ोसी मुल्क। नहीं, एक वो जो आप जब कोई भी खबर पढ़ते हैं लिखा जराए के मुताबिक, ये जराया नहीं समझ में आया आज तक, कौन सा जराया है ये? वो उसमें सहाफत के अंदर कह लें आप, जो भी जर्नलिज्म उसके अंदर सोर्स होती है, और सोर्स हमेशा डिस्क्लोज कोई भी नहीं करता। और एक ये होता था, टैब्लॉइड है यहां पे। मेरी बहन जब छोटी थी तो हर कहती थी ये रावी जो है हर जगह होता था। हाँ, रावी। रावी जो है, रावी ने ये लिखा, रावी ने कितनी कब से है, और ये मरता क्यों नहीं है रावी? रावी होता है कि जब कभी भी कुछ भी हो रहा होता है तो वो रिवायत करने से होता है। हाँ। रिवायत करने के लिए बहुत शुक्रिया फायक, आपने एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा ये बताओ कि शादी को कितना अरसा हो गया? हमारी शादी को 7 साल हो गए माशाल्लाह से। माशाल्लाह। ये बताओ कि शादी से पहले की जिंदगी में, शादी के बाद की जिंदगी में कितना फर्क महसूस है? बड़ा अच्छा सवाल है, ये तो बहुत ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। शादी की पहले की ज़िंदगी में कुछ और मयार होता है चीज़ों का, ज़िंदगी गुजारने का कुछ और तगदो होती है, शादी के बाद कुछ और चीज़ें हो जाती हैं जो कि आपने सोची भी नहीं होती। शादी से पहले कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, शादी के बाद कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम होते हैं, तो प्रॉब्लम ज़रूर होते हैं, ऑफ कोर्स। और फिर बच्चे हो जाए तो फिर मजीद ज़्यादा हो जाती है, तो बढ़ता ही चला जाता है। और इसी के साथ दूसरी तरह कह लेंगे, शादी के पहले की खूबसूरती और होती है, लेकिन शादी के बाद की खूबसूरती और होती है। तुमने तो की नहीं है अभी, तुम तो कहो ही नहीं ये बात। मैं लोगों के तजुर्बों से सीख रहा हूं। इस साल इसकी शादी करवा के दम रहेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह सर, हम भी बंगला डालेंगे। दीदी दीदी सुन ले आप, दीदी दीदी सुन रही है इस्लामाबाद में। दीदी बेचारी, इस साल इमरान की शादी हो जानी चाहिए बस। मेरी बहन की मौका दो, हम भी तुम्हारी शादी में जरा खुशियां मनाएं थोड़ा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ तैयार कर लें। आइटम नंबर 5 है वो, आइटम नंबर बेफिक्र है, आप आपके साथ ही नाचेंगे। रमजान कैसे गुजर रहे हैं? रमजान अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे गुजर रहे हैं।
हमेशा रमज़ान में ये होता है, चूँकि 10-10 दिन पीछे आते चले जा रहे हैं तो हम गर्मी के अंदर ही हैं और अगले 6 साल भी गर्मी में ही होंगे, तो कोशिश यही होती है कि गर्मी से बचा जाए और रोज़े आराम से गुजरें। तो शूट्स चूँकि नॉर्मल हुई हैं, कम हुई हैं, तो वो मेरे लिए रिलैक्सेशन थी एक तरीके से कि चलो कम शूट है, और अगर हुई भी तो वो असिस्टेंट से मैं सेटिंग बना लेता था कि यार मैं 2 बजे आ जाऊँगा, 2:30 बजे आ जाऊँगा, ताकि वो रमज़ान तक मतलब रोज़े के टाइम तक में 4-5 घंटे गुजर जाए और रोज़ा सेट गुजर। वैसे आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, ईद पर भी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी इंशाल्लाह। गर्मी तो भाई वो मर्द हजरात सुन लें जो देर से घरों को निकलते हैं ईद की नमाज के लिए, बाहर जगह मिलेगी गर्मी में और धूप में, तो बराए मेहरबानी टाइम पे निकले ताकि मस्जिद के अंदर जगह मिले और गर्मी और धूप से बचें। अच्छा भाभी, आपका जब रिश्ता आया था, 5 का जब रिश्ता आपके लिए आया, तो वो वाला मोमेंट मुझे बताएं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक यही होता है, मुझसे अभी तक लोग ये पूछते हैं जवेरिया के, अच्छा ठीक है एक्टिंग तो करते हो लेकिन काम क्या करते हो, ये बहुत कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। तो ऐसा सवाल कुछ आप लोगों के घर वालों ने भी किया था कि अच्छा लड़का कर, एक्टिंग तो सही है करता। पहले से ही पता था और उनको कोई इशू नहीं था इन चीज़ों पे। देखिए मेरे अब्बू को था, मतलब अब्बू ने इनका इंटरव्यू लिया था, 2-3 इंटरव्यूज हुए थे। अच्छा। और फिर उन्होंने क्लियर किया इंटरव्यू, फिर मान गए मतलब इंटरव्यू में अच्छे नंबर से पास हुए थे आप। भाई ऐसा हुआ था कि इनके वालिद साहब के साथ मेरे को 3 इंटरव्यूज हुए थे, और इनके वालिद साहब की जिस तरह की पर्सोनिफिकेशन थी, जो भी पर्सोना था, तो वो ऐसा था कि वो बड़ी कोई मुदल्लल बात करते थे ना, मतलब हर चीज़। आपका ताल्लुक कराची से है? अच्छा अच्छा। हर चीज़ ठोक बजा के, हर बात पूछ के, तो बिल्कुल जो आपने एक स्टेटमेंट दिया है ऐसे ही पूछा था कि यार एक्टिंग तो ठीक है, करते क्या, वैसे क्या करते हो? हाँ। तो वो मेरे लिए ज़रा मुश्किल हो गया था। तो एक होता है ना, आपको या तो कायल हो जाओ या कायल कर लो। किया फिर? तो फिर कायल किया मैंने, वो 3rd टाइम में कायल हो गए थे फिर। अच्छा। हाँ, लेकिन थोड़ा मुश्किल था क्योंकि वकील थे इनके वाले साहब, और आपको वकील को कायल करना, तो वकील को कायल करना बड़ा मुश्किल था। फिर तो दलील पे दलील देनी पड़ी होगी। आप भी तो व्यूअर्स को कायल करते हैं ना, हम भी तो व्यूअर्स को कायल करते हैं कि ऐसा ही है, मेक बिलीव। तो मतलब यही तो अदाकारी होती है, यही तो अदाकारी होती है। आपने अदाकारी करके दिखा दी, करके दिखा दी हमने अदाकारी। हमारे यहाँ एक अदद और कमारे बैठे हुए, इनकी भी अदाकार शादी। हाँ, मैं तो चाह रही हूँ दोनों की अगले साल शादी हो जाए, ताकि उनकी बेगम माद भी साथ आए ट्रांसमिशन में। अल्लाह से दांत बंद करो, आपका कभी रुझान हुआ एक्टिंग की तरफ, या कभी सोचा कि मैं भी आती हूँ, शोहर जो है वो स्टार है? तो नहीं, मुझ में ये टैलेंट नहीं है एक्टिंग वाला, एक्टिंग वाला टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। नहीं, कि आजकल के बहुत सारे लोग, बहुत से लोगों में टैलेंट नहीं होता फिर भी तो आते हैं देखने। मेरे ही पीछे लगा रहेगा अभी तक सबक। वैसे सच बात बताऊं, जब पहली दफा आई थी तो मुझे भी एक्टिंग नहीं आती। नहीं, ये मैं बैठे सो एक बात के यहाँ पे जिक्र करना चाहूंगा, सैयद आतिफ हुसैन ने एक ड्रामा किया था आपकी कुत्सिया, इफ यू रिमेम्बर, तो उसमें मैं ये जवेरिया के जो एक्टिंग के है इस कॉन्टेक्स्ट में, इस सियाक को सबाक में बात कहना चाहूँगा कि उसमें एक कैरेक्टर था जो कि एक जिस लड़की को दौरा पड़ता है, मिर्गी के दौरे पड़ता है। तो वो आप शायद कर नहीं पा रही थी, आप शायद बिजी थी मेरे ख्याल में, आपने बड़ी मुश्किल से टाइम निकाला, उसने कहा थोड़ा सा काम है वो कर दो, और मुझे अच्छी तरह याद है मैं बिजी नहीं थी, वो मेन रोल नहीं था इसलिए मैं नहीं कर रही थी। लेकिन उस एक एंट्री से एक ड्रामा जो था वो हमारा वो बहुत कोई हाई पेडेस्टल पर आ गया था, वो लोगों की नजरों में आ गया, तो रेटिंग बहुत अच्छी आ गई थी उसे कैरेक्टर के एंटर होने से। तो ये तो कहा नहीं जा सकता कि आपके अंदर टैलेंट नहीं है। खैर, आतिफ हुसैन का बता रही हूँ, हम लोग बड़े अच्छे माहौल में काम करते, आतिफ क्या करता था कि कट हो जाता था और मैं, मेरा मिर्गी का दौरा पड़ा हुआ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ, शदीद भरपूर एक्टिंग आई होती थी उस वक्त, कट नहीं कर रहा, और वो कट नहीं कर रहा, सीन खत्म हो चुका, हंसे जा रहा है ना, मुस्कुरा के करने दो उसको, करने दो, ये उसकी आदत थी। अच्छा, आपको पता है कि मुझे जो पहला सीरियल ऑफर हुआ था, मतलब आतिफ का जो था मेरे घर में आना जाना था, मेरी भाभी के गली में दोनों जब छोटे छोटे थे तो क्रिकेट खेला करते थे, तो आतिफ ने मुझे बताया कि तुम उस वक्त मॉडलिंग कर रहा था कुछ, कहा तुम टीवी पे काम क्यों नहीं करते? मैंने कहा कर सकता हूँ, कहा करो, मैं तुम्हें जवेरिया जलील के अपोजिट काम कराऊंगा। मैंने कहा हाँ, ये तो मैं बड़ा कुछ फैसिनेट हो गया था, और उस ड्रामे का नाम था नई कहानी की शुरुआत, जो फसी बारी का स्क्रिप्ट था मेरा, लेकिन कभी भी फिर वो बना ही नहीं वो, लेकिन मेरी पहली हीरोइन जो थी वो जवेरिया थी, अगर हो जाती पोटेंशियल हीरोइन ख्यालों में। एक हमने किया भी था बड़ा अच्छा, हमने किया था काशिफ जाफरी, काशिफ जाफरी, अच्छा काशिफ, हां याद, मोना साथ, मोना भी साथ थी, वो सारा लॉरेन हो गई, अब तो सारा लॉरेन, लेकिन हमने बड़ा एंजॉय किया था, बहुत तारीखी यादें हैं उसके साथ। जिसमें हम लोग रात को शूट करने निकले थे,
जवेरियत जिस कुत्ते पीछे बड़े मजे का आपको वाकया बताऊं। ओके ओके ओके, ये मैं बताऊंगा। हुआ ये था कि एक सीन था जिसमें जवेरिया को दिखाया था कि जवेरिया मेरे पीछे आती हैं, मैं गाड़ी लेके खड़ा हूँ और घर छोड़ के आ जाती है मेरे, और उसको पता नहीं था कि मेरे घर का माहौल किस कदर वाहियात है। वहाँ जाके पता चलता है कि हम तो एक और खानदान से बिलोंग करते हैं। तो खैर, ये शरीफ लड़की जब अपने घर के बैग वैग उठा के रात को आती है, तो हम सीवी पे शूट कर रहे थे तो एक गली में हम खड़े हुए, मैंने अपनी गाड़ी वहाँ खड़ी की और उससे भी पीछे मुझे दूर से आ रहा था चलते हुए, करीब कोई तकरीबन 500 मीटर से दूर से आना था। जब मेरी आप बैग लेकर आई, जब मेरे के पीछे कुत्ते कुत्ते बहुत सारे बैठे हुए थे रात के 2 बजे का टाइम, और कुत्ते मेरे, और ये लोग सब इतने दूर, और मैं बैग बैग छोड़ के जो मैंने दौड़ लगाई, गाड़ी में बैठ गया, आगे आगे जेरिया, पीछे कुत्ते। तुम्हारा तो किस्सा वाला मुझे याद है, वो जो हाई रूफ चलाते आए थे और कैमरामैन क्या क्रेन थी उसको जाके तुमने हिट किया। हाँ, ये भी मैं कर चुका। दिन का प्ले था, ये तारीखी काम भी मैं कर चुका हूँ। बहुत लेट हो गए थे और मुझे गुस्सा बहुत आ गया था, तो मैंने अपनी गाड़ी को लेके क्रेन पे मार दी और कैमरामैन ऊपर से पट से नीचे गिरा। मेरे जिंदगी भरपूर कारनामों से बैठे घर में, एकदम से क्रेन के ऊपर कैमरामैन यूं हुआ और कैमरा नीचे आके गिरा, पता चला इमरान ने गाड़ी मार दी। छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा, देखते रहेगा अहद रमजान। रमजान आते हैं हमें इंसानियत का सबक सिखाने के लिए, रमज़ान आते हैं हमें इंसानियत का दर्द महसूस कराने के लिए। हम भूखे प्यासे रहते हैं ताकि हम उन लोगों की भूख और प्यास महसूस कर सकें कि जिन लोगों के पास खाने के लिए रोटी तक नहीं। हम इसीलिए भूखे रहते हैं, हम बुरे कामों से भी बचते हैं, लेकिन ख़ास जो रमज़ान का जो मेन रूह है वो ये भी है कि हम कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते और इसी तरह पूरा दिन गुजारते हैं। अल्लाह पाक ने क्यों हमें ये रमज़ान दिया, क्यों चाहा कि हमें ये एहसास हो? क्या हम ये एहसास सिर्फ एक महीना करते हैं? क्या हम सिर्फ एक महीना लोगों की इफ्तारें कराते हैं? क्या हम सिर्फ उसी एक महीने में नेकियां करते हैं? हाँ, ऐसा है, हम इस एक महीने नेकियों का, इबादतों का ज़्यादा अहतमाम करते हैं, बाकी महीने हम फिर वही अपनी रविश पे आ जाते हैं जो ज़िंदगी हम गुजार रहे होते हैं। लेकिन हमारे ही दरमियान कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अल्लाह के लिए, अल्लाह की खुशनूदी के लिए उसके बंदों की खिदमत कर रहे हैं। हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है कि कई साल पहले जिन्होंने ये खबर सुनी, जिन्होंने ये देखा कि एक माँ ने अपने बच्चों को मार दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनकी बिलखती हुई भूख बर्दाश्त नहीं कर पाई, सिर्फ इसलिए कि वो उसको 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाई, और उसी दिन उस अजीम औरत ने ये अहद किया कि जितना हो सकेगा वो भूखों को खाना खिलाएंगी। 2002 में उन्होंने खाना घर की बुनियाद रखी, सिर्फ 10,000 रुपये से इसे शुरू किया। 3 रुपये की 1 वक्त की रोटी वो देती हैं, और जिनके पास 3 रुपये ना हो उनको वो मुफ्त में रोटी खिलाती हैं। माशाल्लाह से 4,000 लोग रोज़ाना तकरीबन उनके खाना घर से खाना खाते हैं, और उनको देखकर ये एहसास होता है कि अल्लाह पाक ने वाकई दुनिया में ऐसे फरिश्ते भेजे हैं जो अभी भी खिदमत खल्क के लिए सोचते हैं, अभी भी भूखे प्यासे लोगों के लिए सोचते हैं, और अभी भी अपनी ज़िंदगी के मसरूफ़ दिनों में से वक्त निकालते हैं, बल्कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी ही वक्फ कर दी है इस नेक काम के लिए। बहुत सारी तालियों में परवीन बाजी हमारे साथ मौजूद हैं। परवीन बाजी, आपसे जब जब मुलाकात होती है हर दफ़ा मैं ये सोचती हूँ कि अब मैं भी इस कार्य खैर में हिस्सा लूँगी और करूँगी, और हर बार ये होता है कि मैं फिर मसरूफ़ हो जाती हूँ और भूल जाती हूँ, और आप भी मुझे कभी फ़ोन नहीं करती। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ये किसी से कुछ नहीं कहती है, खुद ही करती हैं जो करना। ये बड़ी बात है, नहीं बस शुक्र है अल्लाह का, बहुत एहसान है उस रब का कि 17 साल गुजार दिए खाना घर चलाते हुए, और 2 से शुरू किया, 1,000 तक लोग पहुंच गए हैं, तो इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है,
लेकिन एक लगन है कि हमारे मुल्क से भूख का खात्मा हो, लोग पेट भर के खाना खा कर सोएँ और जब उठें तो खाना उनका मुंतज़िर हो। लेकिन ऐसा है नहीं, बहुत तकलीफ़ होती है जब आप ये देखते हैं कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, ख़ास तौर मज़दूर तबका जिनके पास आज काम है कल नहीं है, वो बड़ी तादाद में भूखा सोते हैं और भूखे ही उठते हैं। तो इसमें खाना घर कोशिश करता है कि उन गरीब बस्तियों में जाए और उनके लिए खाने का इंतज़ाम करें। तो ये काम तो आ गई। कुछ लोग तो हमारे यहाँ ऐसे हैं जो कि काम ही नहीं करते ना, उनको तो छोड़ दें, लेकिन वो लोग जो कि मजदूरी पे काम करते हैं रोज़ की, अगर वो काम करें तो उनके पास पैसे आते हैं, और काम ना करें जो मेहनत करते हैं, वाकई वो लोग अगर किसी दिन उनके पास काम ना हो तो वो बेचारे क्या करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए तो आपने कभी ये सोचा कि कराची से बाहर भी आप उसको लेके बहुत, क्योंकि मैं गरीब बस्ती में रहते हुए मुझे 30 साल हो गए। हाँ। मैं एक अच्छे इलाके से वहाँ मुंतकिल हुई थी, आपको तो पता है। लेकिन इस 30 सालों में मैंने यही देखा कि गरीब अभी गरीब तर है, उसकी गुर्बत ख़त्म नहीं हुई है। जी बिल्कुल सही कहा। तो उस वो सोचे कि उसकी गुर्बत ख़त्म हो गई है, ख़त्म नहीं हुई है। हर आने वाला नया दिन महंगाई लेकर आ रहा है, बेरोज़गारी लेकर आ रहा है। तो आप कैसे इसमें मैनेज कर सकेंगे कि हम कुछ लोगों को फाकम मस्ती से बचा सकें? ऐसा नहीं है। इंसान की कहते हैं कि इंस्टिंक्ट की जो सबसे पहली हर जो जबल्लत होती है उसको फॉलो करने वाली चीज़ जिसको फॉलो करता है वो सबसे पहले भूख होती है। हर चीज़ के बाद आती है आपकी जहन में, हर सोच, हर ख्याल, हर इंस्टिंक्ट फॉलो करती है आपकी भूख पे। अगर आप खाली पेट होते हैं तो आपके जहन में कुछ नहीं आता सिवाय सबसे पहले अपना पेट भरने के। और कितना इसमें बहुत सारे लोगों को इस बात का इदराक होना ज़रूरी है कि यार आप मेहनत तो करो। वो जेवरी वाली बात कि यार आप हर दस्तखान पे मैं देखता हूँ कि इसी तरह के लोग डेली बेसिस के ऊपर वही लोग बैठे हुए होते हैं। बहुत कम तादाद में ऐसे लोग होते हैं जिनको अपने पास से मजदूरी करने के बाद खाना नहीं मिल पाता तो वो वहाँ जाते हैं और खाते हैं। लेकिन एक बात मैं इसमें शामिल करूँ, ये खाना घर ने जब अपनी बुनियाद रखी थी तो 2 रुपये में खाना देना शुरू किया था। इससे कुछ होता नहीं है। अब 3 रुपए है तो इससे भी कुछ नहीं होता। 1 प्लेट सालन 1 रोटी 3 रुपए की सिर्फ इसलिए रखी गई थी कि लोग खरीद के खाएं। और दूसरे ये कि मेहनत करें, मेहनत करें, मेहनत करके जब कमा के लाएंगे तो अपने बच्चों को खिलाएंगे। 2 कॉन्सेप्ट थे खाना घर के, एक कम्युनिटी के अंदर, क्योंकि हर चीज़ मालूम होती है जब आप कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे होते हैं तो हर घर की स्टोरी आपके सामने होती है। आप किसको रिलीफ देना है, किसके लिए खाने का ज़्यादा इंतज़ाम करना है, किसके बच्चे भूखे, ये सब चीज़ें। और दूसरा पे करके खाना ताकि उनकी इज्जत नफ्स मजरूर ना हो। मेरे ख्याल में ये बात मज़हब से भी मशरूत नहीं होगी। हर कम्युनिटी का बंदा आके खाना खाता होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो क्रिश्चियन। जी जी सब सब आते हैं। हमारे तो दस्तरखान में माशाल्लाह हिंदू, सिख, ईसाई, मुसलमान सब बैठे माशाल्लाह। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सोच डेवलप करने की ज़रूरत है जो कि मैं पहले भी मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ इसराफ इतना ज़्यादा होता है कि आप 5 स्टार्स में चले जाएं या रेगुलर रेस्टोरेंट्स में चले जाएं, शादी के खानों पे चले जाएं तो इतना इतना खाना फेंक रहा होता है। बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं लड़के लड़कियों की, स्टूडेंट्स की, जो कि उन खानों को जो है वो रिसाइकल करती हैं और वो खाना जो बच जाता है वो खाना नहीं जो झूठा होता है, बल्कि बहुत सारा खाना एक्सेस में प्रिपेयर होता है और उसके बाद वो अगर एक दिन बाद उसको आप फ्रिज में ना रखें या जो जो मुख्तलिफ 5 स्टार्स होते हैं रेस्टोरेंट्स होते हैं उसको फेंक देते हैं, वो ट्रैश बन जाता है। और वहाँ पर उनको भी खाने की इजाज़त नहीं होती जो वहाँ पर काम करते हैं, उनको भी इजाज़त नहीं, उनको भी इजाज़त नहीं होती। हर 5 स्टार 7 स्टार में मैंने देखा है कि वहाँ के जो 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 वेटर्स होते हैं, जो खाना पकाते हैं, जो खाना सर्व करते हैं, उनको परमिशन नहीं होती खाना खाने की, उस खाने को हाथ लगाने। मैं एक दो होटल्स के नाम में यहाँ पे ले नहीं सकता, लेकिन मैं जानता हूँ ऐसा कि उनको ऐसा शऊर है कि अब उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, जो वेस्टेज है वो गरीबों में बांट देते हैं। ये अब देखिए आप बैठे हैं, कुछ नौजवान लड़की लड़कियों ने यूथ के हमारे किया है, बहुत कुछ किया। अब देखिए ना आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, माशाल्लाह आप लोगों की रमज़ान ट्रांसमिशन ये देखी जाती है, आप लोग यहाँ पर मुबल्लिग के तौर पर बराजमान हैं, एक बात एक अच्छी बात की तबलीग कर रहे हैं। जो बहुत सारे लोग बातें बनाते हैं ना कि जी एक्टर्स क्या शऊर देंगे, ये एक्टर्स की अच्छी बात दिखाएंगे, तो इसी तरह की बातों से तदारुक होता है, एक अच्छी चीज़ पहुंचती है और फिर वो उसके ऊपर अमल पैरा होता है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है जो आप लोग मसाइल का डिस्कशन करते हैं यहाँ पर। अच्छा जी, ब्रेक का टाइम हो गया, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और 2 और मेहमान हमारे साथ यहाँ पर हैं, उनसे आपको मिलवाएंगे। देखते रहिएगा अहद रमज़ान।
जी जनाब, ऐसे रमज़ान में एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद। आपकी मुलाकात हमने एक ऐसी खातून से कराई, ऐसी फरिश्ता सीरत फरिश्ता सिफत खातून से कराई, जो कि इस वक्त हमारे माशरे में ऐसे बहुत सारे लोगों को दो वक्त का खाना, दो वक्त की रोटी जो है इज़्ज़त नफ्स उनकी मजरूह किए बगैर उनको मुहैया कर रही हैं, जो कि किसी तरह अपने माली वसाइल की कमी की वजह से, अपने हालात की वजह से ये सब कुछ अफोर्ड नहीं कर पा रहे। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ऐसे लोगों की प्रेजेंस हमारी सोसाइटी में टू कीप अ बैलेंस। और हमारे साथ कुछ मेहमान जैसे कि मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। यास्मीन यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं। यास्मीन जो हैं वो खाना घर में बतौर शेफ काम करती हैं। कैसी हैं? और यास्मीन की 6 बेटियाँ थी और बहुत मुश्किल थी, मसला था ज़िंदगी गुजारना, बड़ा अजाब था। तो इन्होंने आके परवीन आपा से बात की और इन्होंने ये नहीं कहा कि मुझे सिर्फ खाना ही खाना है, इन्होंने कहा कि मुझे अगर कोई काम अगर आप दे दें तो बड़ी अच्छी बात है। और फिर परवीन आपा ने इनकी ख्वाहिश के मुताबिक खाना घर में इनको खाना पकाने का काम दिया और ये अब खाना घर का हिस्सा है माशाल्लाह से। क्या हालात थे जो आपको यहाँ तक लेकर आए? मसले मसाए थे, घरों के मसले मसाए थे, तो हमने कहा कि आपा खाना बनाने के लिए हमें ऑफर करें, तो इन्होंने खाना बनाने के लिए दिया। और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वहीं खाना बनाते हैं होटल पे, 40-50 किलो गोश्त होते हैं, चाव आलू वगैरह होते हैं, ये सारे चीज़ें हम हमारे शोहर हमारे बच्चे मिलके करते हैं। और कितना अर्सा हो गया आपको? आप मुझे 14 साल हो गए माशाल्लाह। कितने आपके अलावा और कितनी आपकी टीम के हिस्सा हैं जो कि ख़वातीन जो खाना पकाती हैं? बस मैं हूँ, मेरे शौहर हैं और मेरे 6 बच्चे हैं, हमारी टीम है जो हम घर पे काम करते हैं। घर से हमारे घर पे खाना बनता है, यहाँ से उठा के होटल लेके जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, तो जनरली कितने एक दिन के अंदर अंदाजन कितने लोग होते हैं जो आपके यहाँ आप खाना घर में खाना खाने के लिए आते हैं? खाना खाने तो बहुत सारे जाते हैं होटल पे। आप थक नहीं जाती या आपके शोहर आप लोग इतनी नहीं, इतनी नहीं, बड़ी डेली बेसिस पे इतनी बड़े स्केल पे खाना बनाना रोटियां खाना बनाना वो हमारे लिए अब इजी हो गया, आसान हो गया। 14 साल में आदत 14 साल हो गया, मुझे बहुत आदत हो गई इसकी, अब ये नहीं होता। शरीफन हमारे साथ है, आप क्या कहेंगी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, सबको मेहमान को रमज़ान मुबारक हो। मेरी तरफ से सब बहन भाइयों को, ये मैडम जो परवीन बेटी बहुत अच्छी हैं, इंशाल्लाह कामयाब। जरा सा होटल था इनका, बहुत मतलब गरीब हालत थी बस्ती की, बहुत गरीब हैं वहाँ। इन्होंने जिस वक्त इन्होंने होटल का काम किया था बिल्कुल छोटा सा था, गरीबों की मदद की, गरीबों की बेवाओं की खाना खिलाना हर चीज़ का इन्होंने साथ दिया। आज मुझे 20 साल से ऊपर हो गए, मेरा ऑपरेशन हुआ, नाली पड़ी हुई है, मेरे साथ ऑपरेट बहुत करती हैं, पूरे इमाम के साथ करती हैं, दुख में तकलीफ में, और किसी का दिल नहीं दुखाती हैं। मुझे हर वक्त जितने भी इमाम हैं वहाँ गरीब हैं, खाना खाते हैं, बच्चे हैं बड़े, कपड़े भी देती हैं, राशन भी देती हैं, और काफ़ी इंसानों को वैसे भी इमदाद करती हैं। जवेरिया एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी, कि मैंने एक माँ के 2 बच्चे तो हो सकते हैं लेकिन एक बेटी के तकरीबन 15 माएँ नहीं हो सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी इस वक्त 15 माएँ हैं जिन्हें मैंने अडॉप्ट किया हुआ है, इनमें एक शरीफा अम्मा भी शामिल है। और शरीफन जो है वो होस्टिंग भी बड़ी अच्छी कर सकती है, मुझे अंदाजा हुआ कि अगले रमजान में हम इनको जो है ना मेज़बानी के फ्राइज देने के बारे में भी सोचेंगे। आप तो बोलती भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह। सही कह रहा हूँ ना? अल्लाह आपको सेहतियाब भी दे, शिफा दे, शिफा कामलत। मैंने बेटी बोला। अच्छा इंशाल्लाह उनको तरक्की दे, सब अमान को तरक्की दे, अल्लाह ताला सब मेरे बहन भाई को रमजान मुबारक हो, अगले साल अल्लाह खैर खैरियत से सबको लाए इंशाल्लाह। मेरे बहन भाइयों को अल्लाह ताला इज्जत और तौफीक दे, मेरे बहन भाई और मेरी बेटी को अल्लाह ताला बहुत ज़्यादा दे। हज करके आई हूँ, उमरा करके आई हूँ,
जैसी शख्सियत जो है वो रहमत है हमारे मुआशरे में, हम लोगों के लिए, बहुत से लोगों के लिए, अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे। आपको आपको क्या तकलीफ है? बेटा मेरे नाली पड़ी, मेरा फेफड़ा सुखड़ गया था। ऑपरेशन हुआ है आपका? जी, एक मेरा बच्चा पहले गुजर चुका है 24 साल का, एक अभी 10 माह हुए हैं, एक बच्चा, मेरा तवाजुन सही नहीं है, शोहर मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, बस मैडम बेचारी करती हैं, जो भी अल्लाह देता है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह इनको और दे, मेरा पाप परवरदिगार हर तरह से करती हैं। बेशक अल्लाह, हमारे माशरे में कितने ऐसे लोग हैं जब उनकी कहानी सुनते हैं बज़ाहिर उन्होंने जिक्र भी नहीं किया, और जब उनसे पूछा तो हमें अंदाज़ा हुआ कि इनके इनके बच्चे का भी इंतकाल हो चुका है, इनका ऑपरेशन हो चुका है, इनके शोहर की डेथ हो चुकी है, सेहत सही नहीं है, फिर भी ये कह रही हैं कि अल्लाह का शुक्र है। और बेशक अल्लाह का शुक्र हर हाल में अदा करना चाहिए, और अब अपने अतराफ में देखते हैं तो लोगों के कैसे कैसे दुख और कैसी कैसी तकालीफ होती हैं, और हम शिकवा कर रहे होते हैं अल्लाह ताला से कि हमारी ज़िंदगी में ये मसला है, ये मसला है, लेकिन जब आप देखते हैं तो हर इंसान की आपस में अगर आप देखें अपने इर्द गिर्द, अपने अतराफ में, अपने इधर उधर, हर किसी की एक अलग कहानी, एक अलग दुख है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में कि उसने दुनिया में कैसी कैसी तकलीफ जो है लोगों को दी, और हमारे हालात कितने बेहतर हैं। लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो हर किसी से अगर आप कंपेयर करें तो आपके हालात फिर भी बेहतर होंगे। हर मौके पर, हर सांस में, हर लहजा उसका शुक्र अदा करें, इसलिए कि उसने हमें ज़िंदगी जैसी नेमत दी, उसने हमें अल्लाह त बेशक 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 अपने हाथ पांव से मोहताज ना करे, रब्बिल्आलमीन अल्लाह अपना मोहताज रखे और किसी का, और किसी का मोहताज, हाथ पांव से चलती हूँ, जो भी है अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, नमाज पढ़ती हूँ, सब बहन भाइयों के हक में दुआ करती हूँ, बस यही है मेरी इबादत और यही है मेरा अल्लाह और यही है मेरे सब मेरी दुनिया है। क्या बात, बिल्कुल अल्लाह हम सबको मोहताजी से बचाए, डिपेंडेंस से बचाए, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, किसी भी तरह का जो आप मोहताजी होती है वो दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो दुख होता है। अल्लाह अपने अलावा हमें किसी का मोहताज ना करे, यही हमारी दुआ है। आमीन। जी आइए परवीन आपा की तरफ चलते हैं। जवेरिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शरीफ, बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ तशरीफ लाने का। परवीन आपा, कैसे कैसे आप रابطہ करती हैं लोगों से, या वो ख़ुद आप तक पहुंचते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है आप आपके खाना घर तक आने का? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिस तरह शरीफन हो गई हैं, बहुत से लोग होंगे जिनको इल्म तक नहीं होगा कि इसी शहर के अंदर एक ऐसा इदारा चल रहा है जो लोगों को फ़ी सबीलिल्लाह जाए। इतना वक्त गुजर गया कि आस पास की जो आबादियाँ हैं, गोट हैं, इलाके हैं, वो उनको मालूम है कि खाना घर है जहाँ हमें खाना मिल सकता है, हम भूखे नहीं सोएंगे। लेकिन बात सारी है कि कोशिशें तो पहले दिन से थी, और उसको परवान चढ़ाया मेरे रब ने, और लोगों को पता है कि खाना घर आपकी ज़रूरत को पूरी कर रहा है। हम पूरे पाकिस्तान की इस ख्वाहिश को पूरा नहीं कर सकते कि लोग कहते हैं आप आइए लाहौर में खोल लीजिए, आप पिंडी में, आप मूसा लाला मूसा में खोल लीजिए, आप चिनियोट में खोल लीजिए, बहुत सारे फ़ोन आते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप जहाँ हैं, जैसे हैं, अपनी इस्तेदाद के मुताबिक काम कीजिए। आप दो को खिलाइए, लेकिन अल्लाह के लिए खिलाइए और उनकी बेहतरी के लिए खिलाइए, कि हमारे पैसों में उनका हक उतना ही है जितना कि हमारे अपने बहन भाइयों का होता है। वो भी हमारे बहन भाई हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, तो बस ये सब। कितनी कितनी दुआएं, जिस तरह जवेरिया ने शुरू में कहा कि दुआ की कबूलियत की बात हो रही थी, तो बड़ा ज़रूरी होता है कि आपके अमाल ऐसे हों कि आपको किसी को ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि हमारे लिए दुआ करो। न जाने कितने कितने लोग होंगे जो आपके दस्तरखान से जिनको खाना मिल रहा होगा और वो आपको बगैर आपके कहे दुआएं दे रहे होंगे, और दुआएँ तकदीर बदल। आप ये देख लीजिए कि जवेरिया कह रही बहुत कमज़ोर हो गई मैं। हाँ, मुझे आप कमज़ोर लगी पिछले। हाँ, एक तो शुगर पेशेंट हूँ, लेकिन 24 घंटे काम करती हूँ, दिन में 1-2 घंटे रमज़ान में सोना होता है। तो ये कि मेरी उम्र के लिहाज से मैं अगर देखूँ तो इस उम्र में ख़वातीन बिस्तर पर होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो सुबह से काम करती हूँ तो रात तक ना सिर्फ अपना खाने घर का, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने आपको हिम्मत भी तो दी, घर का
हर काम मैं अब खुद करती हूँ। और ये मेरा ख्याल है जो हिम्मत आपको, खैर आपकी कोई ऐसी उम्र नहीं है माशाल्लाह, आप बिल्कुल मेरी उम्र मालूम करेंगे तो आपको ताज्जुब होगा। तो ये जो हिम्मत और जो हौसला जो दिया हुआ है ना अल्लाह ने आपको, शायद इसी काम के लिए, एनर्जी आपके लिए इसीलिए आई है। अल्लाह पाक अपने प्यारे लोगों को चुन लेते हैं और आपको चुना गया है। जब आप ये काम कर रहे होते हैं ना, फिर आपके लिए दुनिया ना बेमायने हो जाती है। हम भी जब पढ़ते थे स्कूल यूनिवर्सिटी में, जब फारिग हुए तो बड़े बड़े ख्वाब देखा थे, लेकिन अब वो ख्वाब जो है सिर्फ ये है कि लोगों का पेट भरा जाए, लोगों की परेशानी। ये जो सोच है ना प्रवीण आपा, ये तो सूफियों को और ये तो वलियों को नसीब होती है। ये बहुत बहुत मंजिलत वाली सोच है और जो इसके लिए बहुत वक्त चाहिए होता है यहाँ तक पहुँचने के लिए, जब दुनिया आपको बेमानी लगने लगे और आप उन्हीं के नक्शे कदम पर है बास लोग जिनमें से ये भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक लम्हे के लिए सोचें कि अगर अगर ये खाना घर नहीं होता तो उन 4000 लोगों का क्या होता। एक लम्हे के लिए खाना घर को माइनस करके देख लें और वो 4000 लोग कहाँ से खाते, क्या करते। वो कहीं से जबरिया, वो भी क्योंकि अल्लाह ने रिस्क का वादा किया तो वो कहीं से, लेकिन वसीला होना ही बहुत फख्र की बात है, बहुत खुशी की बात है कि अल्लाह ने आपको, राजिक ने अपना वसीला बनाया है। और जब आप वसीला बना लेते हैं तो फिर आप सोचते हैं कि कोई गुस्सा मुझे नहीं आता। गुस्सा लोग करते ना तो मैं हंसती में कहती हूँ गुस्सा किस बात का है। आप सोचो कि आप कौन सा पॉजिटिव अमल करने जा रहे हैं, आप कौन सा मुस्बत कदम उठाने जा रहे हैं। आपको ये नहीं देखना कि आपके पास क्या है। अगर आपकी एक रोटी में से आधी रोटी किसी को जा रही है तो उसका मज़ा कुछ और है। बिल्कुल। ये नहीं कहें कि दुनिया को, लोगों को कुछ देने में खुशी, जो लोग खुशी देना शुरू करते हैं उनकी खुशी ये हो कि वो दूसरों को खुशी दें, फिर उनके आगे दुनिया की कोई खुशी उनको खुशी नहीं लगती। खुशी की जो ये जो कॉन्सेप्ट है ना फायक, ये आप तो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, आप कहते हैं डेफिनेटली आप भी जानते होंगे खुशी का कॉन्सेप्ट इतना वेग है और ये इंटरनेशनली उसके ऊपर जब काम हो रहा है, लोगों को ऐसा 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 करके बड़े स्कॉलर्स बैठे हुए होते हैं, रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ बातें कर रही होती हैं खुशी का, इवेंचुअली लोगों ने यही, आप कोई भी चीज़ अचीव कर लेते हैं आपकी वो फिजल आउट हो जाती है हमेशा। आप आगे से आगे, आप कोई, मैं आज ये सोचूंगा कि मुझे एक गाड़ी मिल जाए, ठीक है मिल जाएगी, उसके बाद मुझे अगला मेरा ख्वाब एकदम, वो मिलने के बाद कुछ दिनों बाद वो फेड आउट होकर मेरे जहन में होगा कि अब मुझे इससे बेहतर गाड़ी, अच्छा फिर ये आपकी जो ख्वाहिश होती है बढ़ती रहती है। तो दुनिया के मामले में हज़रत अली ने इसलिए कहा कि दुनिया को अगर आपने देखना है तो कूड़े के ढेर पर जाके देखो, इसलिए कि हर चीज़ इवेंचुअली कूड़े का ढेर बन जाती है। और आपकी खुशियाँ, असल खुशी आपकी वही होती है जो एक परमानेंट, और परमानेंट आपको खुशी सिर्फ तब मिलती है जब आपके अंदर ये वाला जज्बा जाग जाए कि आप किसी को देखें, ये जो देने वाली दे के जो खुशी मिलती वो है, वो इतना परमानेंट एक जज्बा होता है और वो कभी फिजल आउट नहीं होता। असल में मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस जो दुनियावी खुशी है, उसको अगर आप उससे ये बाला तर है, ये वाली खुशी जो कि आपका इनर, आपका नूर बातिन जो है वो मुअत्तर करती है, इस तरह की खुशी से आपको एक दायमी सुकून कल्ब हासिल होता है कि यार मैंने कुछ किया है अल्लाह की राह में, और जब मैं मरूंगा, क्योंकि हर इंसान ने मरना है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, तो जब आप मरते हैं तो आपको पता होता है कि यार मुझे अपने लिए ज़खीरा अंदोज़ी यहाँ नहीं करनी चीनी की या गंदम की, ज़खीरा अंदोज़ी करनी नेकियों की, अपने आमाल की जो अल्लाह के सामने होंगे, क्योंकि वहाँ तो आपको पकड़ के लेके चला जाएगा, वहाँ आपकी कोई मर्जी नहीं चलनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह पाक हम सबकी दुआएं, जितने लोग देख रहे हैं, कि अल्लाह पाक आपको सेहत दे, अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी दे, आप में और हिम्मत दे, और आपको गैब के ख़जानों से अता करे, और गैब से आपकी मदद करे कि आप इसी तरह खाना घर चलाती रहें और लोग बढ़ते रहें और आपका खाना घर पूरे पाकिस्तान में फैल जाए, हमारी यही दुआ है। बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई, हमारी इज्जत अफजाई की बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एक छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहेगा और देखते रहेगा एहद रमज़ान।